भाई का हट जाएगा, अपुन का जमीन है। सतीश कौशिक के जाने का दर्द इस वक्त सबसे ज्यादा कोई झेल रहा है तो वो है उनकी वाइफ शशि कौशिक। इस वक्त शशि सदमे में है और अपना बिखरा परिवार आंसुओं में समेटने की कोशिश कर रही है। सतीश कौशिक की वाइफ शशि कौशिक उनकी तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन है शशि, जिन्हें 38 साल पहले एक्टर ने अपना हमसफर बनाया था। शशि और सतीश की शादी साल 1985 में हुई थी। शशि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं है। सतीश कौशिक के अलावा उनकी वाइफ शशि कौशिक भी एक पॉपुलर प्रोड्यूसर रही हैं। शशि ने एक फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती प्रोड्यूस की, जिसमें सतीश कौशिक भी अहम भूमिका में थे। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म कागज की भी प्रोड्यूसर रही हैं शशि। बता दें कि शादी के करीब 9 साल बाद सतीश और शशि के बेटे सानू कौशिक का जन्म साल 1994 में हुआ और तब वो केवल 2 साल का था। जब उसकी मौत हो गई थी, परिवार में आई इस नई नई खुशी का यूं मातम में बदल जाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। माँ शशि बेटे को लेकर गम में डूब गई और सतीश खुद को काम में व्यस्त रखा करते थे। बेटे की मौत के करीब 16 साल बाद घर में फिर से बच्चे की किलकारी गूंजी। इस बार बेटी वंशिका हुई और सैरोगेसी से शशि और सतीश पेरेंट्स बने थे। नीना गुप्ता सतीश कौशिक की काफी अच्छी दोस्त है। तब नीना गुप्ता क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से प्यार करती थी और बिना शादी मां बनने वाली थी। नीना गुप्ता ने मसाबा को जन्म देने का फैसला किया और इस कठिन पल में सतीश कौशिक उनके साथ खड़े थे। सतीश कौशिक ने नीना को तब शादी का प्रपोजल भी दिया था और मसाबा को अपनाने की बात भी कही थी। हालांकि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन आज तक उनकी दोस्ती वाली बॉन्डिंग जबरदस्त रही। सतीश ने बताया था कि नीना को शादी के प्रपोजल वाले किस्से पर उनकी वाइफ शशि का रिएक्शन क्या था। वाइफ शशि कौशिक का ऐसा था रिएक्शन, उन्होंने कहा था, मेरी वाइफ शशि मेरे और नीना के इक्वेशन के बारे में जानती है। वो मेरे घर पर अक्सर आया करती हैं। वो हमारी दोस्ती को समझती भी है और उसका सम्मान भी करती है। आखिरी वक्त में दिल्ली में थे सतीश कौशिक। बॉलीवुड के शानदार फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में से एक गिने जाने वाले सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। आखिरी वक्त में वो दिल्ली NCR में थे, जहां वो अपने दोस्त से मिलने गए थे। बताया जाता है कि पहले उन्हें बेचैनी महसूस हुई और हॉस्पिटल ले जाते समय ही कार में रात करीब 1 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद खबर से इंडस्ट्री और उनके फैंस काफी शॉक में डूब गए हैं। इस वक्त शशि के लिए वो सदमा है जो जीवन भर भर नहीं सकता। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।